Hey friends, if you really want to make your learning easy, then do subscribe and press bell icon. Hi students and welcome back to your channel Tacts and Tricks. Aaj jo hum topic padhenge, that is undistributed profits or losses and reserves. So let us first understand the topic. So कितनी बार आपको existing balance sheet में जब new partner add हो रहा होता है business में तो existing balance sheet में काफी बार आपको undistributed profit दिए हुए होते हैं, undistributed losses दिए हुए होते हैं and काफी बार कुछ reserves भी दिए हुए होते हैं. तो इन reserves और इन accumulated profit या losses को distribute कर दिया जाता है in the old partner's capital account and in their old ratio. और इसकी journal entry कुछ इस तरीके से हो जाती है, जैसे कि जो balance sheet side पर liability side पर आपको दिए हुए होते हैं balances, तो उनको हम सब कुछ transfer कर देते हैं, तो इसलिए उनको opposite लिख देते हैं. तो जो balance sheet liability side दिया हुआ होता है, उसको हम debit कर देते हैं, P&L account credit balance debited, general reserve account debited, workmen compensation fund account debited, investment fluctuation fund account debited to old partner's capital account in their old ratio. और अगर आपको balance sheet के asset side पर कुछ balances इस तरीके से दिए हैं, तो उसको भी हम opposite effect देते हैं, यानी कि उसको हम credit कर देंगे. तो journal entry क्या हो जाएगी? Old partner's capital account debited to P&L account debit balance. फिर भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो है 5:3, सी एडमिट हुआ है 1/3 शेयर के साथ और जनरल रिजर्व दिया हुआ है 60,000 एंड पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 20,000 और हमें जर्नल एंट्रीज करनी है. So first of all, let us write down the information. So jo information di hui hai, that is there are two partners, A is to B. Dono ka profit sharing ratio kya hai? 5:3. Aur humne C ko admit kiya hai aur C ko kitne share se admit kiya hai? 1/3. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में है, क्या अमाउंट है उसकी? 60,000 रुपीज. ओके, सो दैट इज 60,000 रुपीज और पीएनएल का हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, यानी कि एसेट साइड पर, और वो कितना दिया हुआ है? दैट इज रुपीज 20,000. और अब ये एग्जिस्टिंग बैलेंसेस को हमें क्या करना है? दिस आर टू बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशियो. सो अकॉर्डिंगली अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व. सो जनरल रिजर्व को हम अपोजिट एंट्री देंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, दैट इज 60,000 रुपीज टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. कौन से रेशियो में करेंगे? इन दियर ओल्ड रेशियो. और ओल्ड रेशियो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 5:3, तो हम लोग 5:3 में करेंगे. सो इट विल बी अकॉर्डिंगली 37,500 एंड 22,500. और क्योंकि पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो उसको भी अपोजिट इफेक्ट देंगे. सो इट विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, उसका अपोजिट इफेक्ट, राइट? और कितना है ये? 20,000 है. सो 20,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? इन द रेशियो ऑफ 5:3. सो इट विल बी 12,500 and it will be 7,500, right? बहुत ही सिंपल सी जर्नल एंट्री है एंड आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ. फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो द ऑल द accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड reserves आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशियो एंड जर्नल एंट्रीज आर एज फॉलोज. I hope you are clear with this topic. और अगर आपको कोई भी doubt है, तो नीचे comment box में लिख सकते हैं. That's it. Thank you.